अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 24 मार्च 2021 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, यूपी स्कॉलरशिप छात्रों के साथ बड़ा धोखा। जी हाँ दोस्तों, छात्रों का आरोप क्या है कि जानबूझकर फॉर्म रिजेक्ट किए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि उनका मतलब जो फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है उसमें दोस्तों ये मेंशन किया गया कि भैया आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों बच्चों के पास उनका रिजल्ट भी है, और कुछ बच्चों में दोस्तों ये मतलब रीजन दिखाया जा रहा है कि आपके बैंक अकाउंट में कुछ दिक्कत है, गलतियाँ हैं। लेकिन दोस्तों वहाँ पर भी सब कुछ सही है। तो कुल मिला के गाइस, इस बार छात्रों के साथ ये बड़ा धोखा किया गया है। ठीक है, भले आप स्कॉलरशिप मत दीजिए, लेकिन गलत रीजन तो नहीं देना चाहिए ना। तो छात्रों को इस बारे में भी अपनी आवाज उठानी चाहिए, और जो भी दोस्तों अपडेट्स आएगी वो अपडेट हम आप तक पहुंचा देंगे। और देखिए, आपका एक सवाल आ रहा था कि तृतीय सेमेस्टर में बैक लगने की संभावना सबसे ज्यादा किस विषय में होती है। जी हाँ दोस्तों, हम आपके सामने डेट शीट को रखेंगे और आपको बताएंगे इन 8 विषयों में से कौन सा ऐसे विषय है मतलब जिसमें आपको बैक ज्यादा लग सकती है और जिस पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है, फिर दोस्तों बात करेंगे डीएलएड स्कूटी का रिजल्ट 2021 अपडेट। 18 बैच चतुर्थ सेमेस्टर रिजल्ट और 19 बैच फर्स्ट सेमेस्टर प्रमोट का रिजल्ट की अपडेट्स को देखेंगे। तृतीय सेमेस्टर डेट शीट और बैक पेपर परीक्षा की डेट शीट, दोनों अपडेट्स को दोस्तों इस वीडियो में कवर करेंगे। अब देखिए दोस्तों, एक और सवाल आपका, कब से भरे जाएंगे एग्जामिनेशन फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, आपके मन में बस अब एक ही सवाल होगा कि अब एग्जामिनेशन फॉर्म कब से भरा जाएगा। और आपको बताते हैं कि बिना रिजल्ट के तृतीय सेमेस्टर परीक्षा संभव है या नहीं, इसको भी देखेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए अभी तक आपका स्पूटनिक रिजल्ट घोषित नहीं किया गया। देखिए, जब तक स्पूटनिक का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक दोस्तों ये क्लियर नहीं हो पाएगा कि सेकंड सेमेस्टर में से कितने बच्चे अभी पास हो सकते हैं, या जिन बच्चों की बैक लगी वो बैक ही रहेगी, क्योंकि 70,000 से ज़्यादा बच्चे मतलब सेकंड सेमेस्टर में फेल हुए हैं। और दोस्तों बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर हैं, जैसे 11-11 नंबर पाकर बच्चे अटके पड़े हैं, या कुछ बच्चे दोस्तों 24-23 नंबर के करीब हैं। तो क्या वो बच्चे पास हो सकते हैं? तो दोस्तों उसका फैसला स्कूटनी रिजल्ट में हो जाएगा। अब आपके एक और सवाल आ रहा था आपका, मतलब कि डीएलएड 2021 कब से शुरू होगी एडमिशन की प्रक्रिया। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे हम तो डीएलएड करके फंस गए, लेकिन आपको बता दें गाइस, अभी भी डीएलएड का क्रेज वैसा ही है जैसा कि पहले था। देखिए, बीएड करने से फायदा जरूर होता है, लेकिन जो बच्चे मतलब मन होता है ना कि हमें डीएलएड करना है, तो बच्चे डीएलएड ही करेंगे। और सबसे अच्छी बात दोस्तों डीएलएड में ये होती है ना कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाती है। अगर आप यूपी टेट और सुपर टेट का दोस्तों सोच रहे हैं ना, तो डीएलएड दोस्तों आपके लिए बहुत ही बेहतर विकल्प है। उसके बाद अगली अपडेट में जरा आपके सामने रखते हैं, एक बड़ी खुशखबरी है कि 3 दिन में दोस्तों शुरू हो जाएगी आंगनवाड़ी के रिक्त 5300 पदों पर भर्ती प्रक्रिया। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ा मैटर है, और क्या पूरी अपडेट इसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और दोस्तों देखिए, विश्वविद्यालय व कॉलेजों में 31 मार्च तक ऑनलाइन कक्षाएं। जी हाँ, अगर आपका दोस्तों डीएलएड का कॉलेज इस समय खुला हुआ है, तो भैया ये भैया वीडियो उनको शेयर कर दीजिएगा, बता दीजिएगा कि अब कोई भी कॉलेज मतलब ऐसे नहीं खुलेगा, जो भी क्लासेस होंगी अब आपकी ऑनलाइन माध्यम से ही होंगी। बेसिक शिक्षा विभाग प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक के 5000 से ज्यादा रिक्त पदों पर जल्द करेगा भर्तियां। जी हाँ दोस्तों, कुछ न्यूज़पेपर में ऐसी कटिंग देखकर आपको लगा होगा यार नई वैकेंसी आ गई क्या, लेकिन दोस्तों सच्चाई ये है कि नए आवेदन से नहीं, 69,000 भर्ती की जो भी दोस्तों प्रतीक्षा सूची है, वेटिंग लिस्ट में दोस्तों जिन बच्चों का नाम होगा, 5100 सहायक अध्यापकों की भर्ती में उनको मौका मिलेगा। ठीक है, ये 69,000 में जो रिक्त पद थे, और दोस्तों जो बच्चे वेटिंग लिस्ट में होते हैं ना उनको मौका मिलेगा, ये मत सोचिएगा कि नए बच्चे इसमें आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, ये दोस्तों पूरा मैटर हुआ। अब चलिए दोस्तों, पहले हम आंगनवाड़ी वाली अपडेट आपके सामने रख देते हैं कि अगर आप भी चाहते हैं कि कोई आवेदन करे आपके घर से नौकरी ले जाए, और आप खुद भी आवेदन करना चाहते हैं दोस्तों, तो देखिए क्या इसके लिए योग्यता है, सब कुछ देखते हैं। अपडेट आई है लखनऊ से, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग में आंगनवाड़ी व मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इसके लिए निदेशक, ठीक है ना, ICDS डॉक्टर सारिका मोहन की ओर से मंगलवार को सभी DM को 3 दिन में भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में इस समय इन 3 श्रेणी के करीब 5300 पद खाली हैं। निदेशक ICDS ने जिला कार्यक्रम अधिकारियों को भी 3 दिन में खाली पदों का ब्यौरा NIC की ओर से विकसित वेबसाइट पर अपलोड कर व्यक्तियों के सापेक्ष
भर्ती विज्ञापन जारी कराने को कहा है। काफी समय से दोस्तों आंगनवाड़ी केंद्रों में पद रिक्त होने से काम प्रभावित हो रहा था। इस बीच जब सरकार ने मिशन रोजगार किया तो अब इन पदों को भरने की कवायद शुरू हुई है। निदेशक ने बताया कि वेबसाइट दो तीन वेबसाइट है पर आंगनवाड़ी केंद्रों की रिक्तियों का ब्यौरा आरक्षण सहित जिला स्तर पर फीड किया जाएगा। इसके लिए दोस्तों जिला कार्यक्रम अधिकारियों को लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया जा चुका है। आंगनवाड़ी मिनी आंगनवाड़ी और सहायिकाओं के खाली पदों को भरने के संबंध में इससे पहले भी दोस्तों जनवरी में विस्तृत निर्देश जारी किए जा चुके हैं। उसी क्रम में अगले दोस्तों 3 दिनों में जिलों में आरक्षण वार खाली पदों की फीडिंग वेबसाइट पर की जाएगी। इसके बाद भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। आपको दोस्तों बता दें कि 45 दिन में पूरी होगी भर्ती प्रक्रिया। निदेशक ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया की समय सीमा तय कर दी गई है। अगले 3 दिनों में विज्ञापन जारी होंगे। विज्ञापन जारी होने के 21 दिनों तक दोस्तों ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे और उसके बाद पूरी भर्ती प्रक्रिया विज्ञापन जारी होने के 45 दिनों में पूरी करने के आदेश दिए गए। चलिए भैया अच्छी वाली खबर है। वैसे उम्मीद काफी कम है कि 45 दिन में ये हो जाएगा, लेकिन जो अपडेट है वो हम आपके सामने रख दिए। उसके बाद दोस्तों देखिए इस अपडेट को कि नए आवेदन से 69,000 की प्रतीक्षा सूची से 5100 पदों पर मतलब सहायक अध्यापकों की भर्ती होगी। अपडेट है लखनऊ से बेसिक शिक्षा परिषद में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में विभिन्न कारणों से खाली लगभग 5100 पदों पर भर्ती के मेरिट की प्रतीक्षा सूची से की जाएगी। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री या स्वतंत्र प्रभार सती द्विवेदी ने मंगलवार को इसकी घोषणा की है। उन्होंने बापू भवन स्थित अपने कार्यालय में मीडिया को बताया कि भर्ती में अनुसूचित जनजाति के योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण 1133 पद खाली है। इन पदों को दोस्तों अब अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। तो मतलब देखिए अभी दोस्तों एसटी के मतलब 1133 पद खाली रह गए थे, ठीक है, बच्चे नहीं मिल पाए थे। अब दोस्तों एसटी के 1133 पदों पर किसको मौका मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को। तो मतलब अच्छी खबर है एससी कैटेगरी के छात्रों के साथ। इनके अतिरिक्त विभिन्न कारणों से लगभग 204,000 से अधिक पद खाली रह गए हैं। इन पदों को मेरिट की प्रतीक्षा सूची से भरने के लिए न्याय विभाग से परामर्श मांगा जा रहा है। वहां से सहमति मिलते ही भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अब देखिए दोस्तों विश्वविद्यालय व कॉलेजों में 31 मार्च तक ऑनलाइन कक्षाएं हैं। अपडेट है लखनऊ से। प्रदेश के विश्वविद्यालय व डिग्री कॉलेजों में 25 मार्च से लेकर 31 मार्च तक ऑनलाइन कक्षाएं ही चलेंगी। उच्च शिक्षण संस्थानों में फिजिकल क्लासेस पूरी तरह से बंद रहेंगी। उच्च शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव मोनिका एस कर की ओर से मंगलवार को आदेश जारी कर दिया गया है। होली की छुट्टी संस्थानों में अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होंगी। रजिस्टर पर हाजिरी ली जाएगी। विश्वविद्यालय व कॉलेजों में प्रत्येक पाली की परीक्षा से पहले संस्थान को पूरी तरह सैनिटाइज कराया जाएगा। जी हाँ दोस्तों कोरोना बढ़ने के आसार है, क्योंकि देखिए होली का समय लोग बाहर से अपने घर आते हैं और उसमें तो हो सकता है कि अगर कोई कोरोना के पेशेंट भी आने लगे तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो आप लोग भी इस समय विशेष सावधानी रखेंगे। जी हाँ दोस्तों त्योहारों का समय रहेगा, भीड़ काफी ज्यादा होने वाली है, तो आप लोग थोड़ी से सावधान रहेंगे, ठीक है। बाकी दोस्तों अब बात हो जाए कि यार आपकी बैग कौन से विषय में लग सकती है, क्या दोस्तों तैयारी होनी चाहिए। देखिए पहला सब्जेक्ट है आपका शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार का। ये दोस्तों आपका थ्योरी सब्जेक्ट होता है जो कि 50 नंबर का पूछा जाता है। दूसरा सब्जेक्ट समावेशी शिक्षा, ये भी 50 नंबर का पूछा जाता है। फिर विज्ञान, गणित और सामाजिक अध्ययन। जी हाँ दोस्तों देखिए एक गणित ऐसा विषय हो सकता है जहाँ पर आपकी बैक लग सकती है, तो इस पर आप विशेष ध्यान देंगे। सामाजिक अध्ययन पर दोस्तों आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। इन दोनों विषयों को दोस्तों आप बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेंगे। बाकी दोस्तों आपको जो ये साइंस वाला सब्जेक्ट है ना, काफी बार दोस्तों ये देखा जाता है कि जो आप सीरीज पढ़ते हैं सीरीज से कुछ हटके साइंस पूछ ली जाती है, फिर आपका नुकसान होता है, ठीक है। तो साइंस आप अलग से अच्छे से तैयारी करेंगे। बाकी दोस्तों आपका हिंदी, संस्कृत या उर्दू और कंप्यूटर में दोस्तों बात करें तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपकी बैक लग सकती है तो संस्कृत में। अब जो बच्चे कंप्यूटर कभी नहीं पढ़े तो उनकी बैक यहाँ पर आ सकती है, क्योंकि देखिए आपको फर्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट किया गया था, आपको भाई हो सकता है कि बिल्कुल कंप्यूटर का अंदाजा ना हो। तो गाइस देखिए इस बार आपको जो अच्छे से पढ़ना है ना, कंप्यूटर बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे आप, संस्कृत बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। उसका रीजन क्या है कि आपको भाई फर्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट किया गया, तो संस्कृत और कंप्यूटर ये दोनों सब्जेक्ट आप बिल्कुल नहीं पढ़ पाए। अगर आपने इसको यहाँ हल्के में लिया तो फिर बैक लगना लगभग संभव हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन दोस्तों अच्छे से आप पढ़ेंगे और गणित, ठीक है, ये 4 विषय हो गए। उसके बाद दोस्तों पहले दिन के जो 2 विषय हैं आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन हाँ अगर आपके पास लिखने की एक अच्छी कला है। देखिए क्या हो रहा है ना कि आजकल जैसे लगता है कि पीएनपी बड़े गुस्से में आपका पेपर बनाता सेट करता है, क्योंकि जो लास्ट टाइम सामाजिक अध्ययन का पेपर 4 सेमेस्टर का भी हुआ था गाइस फरवरी महीने में, तो उसमें काफी कठिन क्वेश्चन रखे गए थे,
क्वेश्चन मतलब टू द पॉइंट रख दिए गए। सामाजिक अध्ययन का पेपर ऐसा होना चाहिए कि थ्योरी होना चाहिए कि जो बच्चा कुछ नहीं पढ़ कर जाए वो भी निकाल ले, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। ध्यान रखेंगे आप लोग, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। देखिए ये दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट है भाई, देख लीजिए पीएनपी वाली, यहाँ पर चाहे तो समझते रिजल्ट की कोई बात नहीं है। 60 बच्चे ऑनलाइन है, ठीक है, तो बच्चे भी ऑनलाइन आना कम हो गए। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें, आपको स्पुटनिक रिजल्ट घोषित किया जाएगा, चतुर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट भी यहीं पर आपका घोषित हो जाएगा। उसके बाद गाइस जो भी और अपडेट्स आती है वो अपडेट हम आप तक पहुँचा देंगे। फिलहाल वीडियो को शेयर करिएगा, आंगनवाड़ी वाली भर्ती आ रही है वो खबर आप लोग अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए। अगर जो अप्लाई करना चाहता है, आवेदन करना चाहता है, उनको थोड़ा फायदा मिल सके। बाकी डीएलएड के थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा देखिए, अगर गाइस अप्रैल में नहीं होगी ना तो नुकसान आपका ही होगा, ये पहले आप समझ लीजिए, क्योंकि आप नई भर्ती से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि देखिए गाइस अप्रैल में अगर आपका पेपर नहीं हो पाता, देखिए अप्रैल में पेपर टलेगा तो क्यों टलेगा, पंचायत चुनाव के कारण। अप्रैल में दोस्तों यूपी बोर्ड की परीक्षा भी टलने के आसार है। अब मई में भी दोस्तों फिर यूपी बोर्ड की परीक्षा होगी, तो अप्रैल में भी पेपर नहीं हो पाएगा, फिर मई में भी नहीं हो पाएगा, फिर आपका पेपर चला जाएगा जून में। सोचिए जब जून में आपका पेपर होगा तो जुलाई अगस्त अगस्त तक आपका थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित होगा। उसके बाद एक महीना ये स्पुटनिक का फॉर्म भरवाएंगे। तो गाइस ये देखिए पूरा प्रोसेस को समझना पड़ेगा आपको। आप इस समय आपको ये सोचना है कि किस हालत में, मतलब कैसे आपका दोस्तों जुलाई 2021 तक आप डीएलएड कॉलेज से छुट्टी ले लें, क्योंकि दोस्तों आपने एडमिशन अगस्त 2019 में लिया था, उस हिसाब से जुलाई में आपका डीएलएड कंप्लीट हो जाना चाहिए। दोस्तों मैक्सिमम अगर आपका डीएलएड कॉलेज चलेगा तो देखिए स्टार्टिंग डेट दोस्तों आपका जो पहला दिन होगा कॉलेज में एडमिशन लेने का 6 अगस्त 2019 से शुरुआत हुई है, तो वैसे खत्म होना चाहिए आपका 5 अगस्त 2021 को, ठीक है। 2 साल कंप्लीट हो जाएगा, छुट्टी ले लीजिए आप कॉलेज से अपना खत्म करिए, क्योंकि जो बच्चे अगर आगे की पढ़ाई पढ़ना चाहेंगे तो अपना देखेंगे ना, अब ये थोड़ी नहीं डीएलएड के भरोसे वो जिंदगी काट देंगे। तो गाइस जल्दी से जल्दी परीक्षा होनी चाहिए, आपको भी थोड़ा दबाव बनाना चाहिए पीएनपी पर। बाकी सरकार ढीलापन दिखा रही, देखिए यहाँ पर गलती सिर्फ पीएनपी की नहीं होती, अगर योगी सरकार तक तो हो जाए ना तो पीएनपी कैसे पेपर नहीं कराएगी समय से, ठीक है। तो गाइस ये अपडेट है और उम्मीद करेंगे कि आपका पेपर जल्दी से जल्दी हो, ताकि आपका भविष्य और साल दोनों खराब ना हो, ठीक है। साल खराब हो जाएगा तो आप कुछ नए कोर्स में एडमिशन नहीं ले पाएंगे, कुछ आप करने का विचार होगा आपका क्या, चलो हम ये शुरू करेंगे हम ऐसे ऐसे। देखिए कोई कोर्स ज्यादा लंबे समय तक खींचता है तो नुकसान आपका ही होता है, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे एक और वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ। फिलहाल आप लोग का दबाव होना चाहिए कि पेपर आपका जल्दी से जल्दी हो। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।